हाँ जी, पाकिस्तान और नलकिया दे बोर करने वाले अंज छिकदे रसा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम नादरीन, वेलकम इन कुवैती व्लॉग्स चैनल। मैं हूं अबू अमर और आप देख रहे हैं कुवैती व्लॉग्स। नादरीन, आज क्रेन की वायर कैसे चेंज करते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये जनाब इसकी वायर का अगला सिरा है और ये इस तरह वायर इसके अंदर जो है वो लगी होती है। ये तरीका कार है इसका, वायर इधर से डाल के और ये जो लोहे की पट्टी है ये इसके अंदर ऐसे ऐसे इसके अंदर फंस जाती है और ये वायर इसके ऊपर से हुक जाती है और ये हुक हो जाती है फ्री। और इसके अंदर एक बैरिंग भी होता है जो घूमता रहता है। ठीक है जनाब, ये वायर है ऊपर तक और मैं बैक साइड से आपको ये वायर का ड्रम भी दिखाता हूँ। ये वायर का ड्रम है पीछे और 16 मिली की वायर लगी होती है 20 टन क्रेन को। 14 मिली की भी कुछ लोग यूज़ करते हैं लेकिन अक्सर जो है वो 16 मिली की वायर यूज़ होती है। और तकरीबन 83 मीटर वायर लगाते हैं कुछ लोग, 80 मीटर भी चल जाती है लेकिन हम जो है वो 85 मीटर वायर मंगवाते हैं ताकि एक दो मीटर ज़्यादा हो कम ना हो। ये बूम के ऊपर आके मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये रूले हैं जिनके अंदर से ये वायर चलती है। और ये पुलियाँ हैं ऊपर, बड़ी हुक की वायर जो है वो इस साथ वाली पुली में लगती है लेकिन अक्सर लोगों ने जो है छोटी क्रेन वाले जो है उन्होंने जो है वो बड़ी हुक जो है वो उतार के रखी होती है क्योंकि ज़्यादा हैवी किस्म का लोड जो है वो नहीं उठाते। ये वायर खोल रहे हैं, इधर से वायर को डाउन करते जाते हैं जी। सेंटर वाला लीवर है छोटी वायर का और वायर डाउन करते जाते हैं और आगे से पकड़ के इसको ऐसे नीचे रोल करते जाते हैं। और इसको भी हम फेंकते नहीं हैं, इससे हम काम ले लेते हैं क्योंकि ये जो लोड उठाने के लिए, तबूक वगैरह उठाने के लिए, सरिया वगैरह उठाने के लिए हमें जो छोटी वायरें चाहिए होती हैं 3-3 मीटर की, वो हम बनवा लेते हैं ताकि वो ज़ाया ना जाए क्योंकि वो बाहर यूज़ हो सकती है लेकिन क्रेन के ऊपर फिर वो यूज़ नहीं होती। जब उसके वो कुछ उसकी वायर की जो अंदर बारीक सी छोटी छोटी तारें हैं वो टूट जाती हैं थोड़ी बहुत, तो फिर हम उसको उतार के फेंक देते हैं। और ये देखें, ये वायरें पड़ी हुई हैं बॉकेट के अंदर किस तरह की, ताबूक उठाने के लिए, सरिया उठाने के लिए। ये छोटी वायरें पंच करवा के इस तरह की वायरें बनवा लेते हैं, ये जो तारी है इससे। लेकिन क्रेन के अंदर ये यूज़ करने के काबिल नहीं रहती, दूसरे इस्तेमाल में ये आ सकती है। हाँ जी, पाकिस्तान और नलकियाँ दे बोर करने वाले अंज छिकदे रसा, जोर लगा के हैं यहाँ। ये वायर है जी यूषा कंपनी की, मेड इन इंडिया। और यूषा कंपनी की एक और वायर भी मिलती है जो दो नंबर है, इसमें जो कुवैत में रहने वाले हैं उनके लिए थोड़ी मालूमात मैं दे दूं कि यूषा की जो असल वायर होती है ये देखें, ये उसकी निशानी है कि उसका ये जो रोल है इसके ऊपर ये वाला ये स्टिकर लगा होगा। ये देख रहे हैं जी,
ये एक साइड पे भी होगा और इसी तरह ये दूसरी साइड पे भी होगा। ये असल यूशा कंपनी की जो वायर है ये उसकी निशानी है। ये देखें मेड इन इंडिया लिखा हुआ है ऊपर, ये लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। तो दूसरी थोड़ी से सस्ती मिलती है लेकिन उसकी ये जो बारीक तारे हैं इसके अंदर ये खुल जाती है जल्दी, ख़राब हो जाती है। ये ख़राब हुई है यहाँ से तो फिर इसको उतार दिया जाता है। इस साइड से ये देखें, ये जब इसकी कुछ तारें टूट जाती हैं तो फिर इसको तब्दील कर दिया जाता है। और इसको इस हुक में लगाने का और ड्रम के पीछे लगाने का कोई इतना बड़ा सिस्टम नहीं है। जिस तरह ये लोहे की एक पट्टी है इसके ऊपर से घुमा के इसको ऐसे निकाल के यहाँ से फोल्ड करके बस यहाँ तक छोड़ देते हैं तो ये पक्की हो जाती है। जैसे जैसे हम इसके साथ वज़न उठाते हैं ये खुद इसके अंदर फंस जाती है मजबूती से। वायर आप करो थोड़ी, ये वायर इसके अंदर आई हुई है यहाँ और ये लोहे की पट्टी अंदर डली हुई है बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये देखें यहाँ से वायर डाल के पट्टी के ऊपर से घुमा के और उसका सिरा यहाँ ला के छोड़ देते हैं और वो पट्टी इस तरह होती है कि ऊपर से थोड़ी तंग होती है और नीचे से गुलाई में ज़्यादा होती है तो वो इसके अंदर अपनी जगह पर फंस जाती है तो वायर मजबूत हो जाती है। खोल के निकाल दिया, थोड़ी स्विंग करो ना उधर उत्ते। बूम ही थोड़ा आप कर लो, लास्ट ले आओ। हाँ जी ठीक हो गया। ड्रम पुठा रखिया जेने रोल, ये वायर इसके अंदर पुली के अंदर डाल के ऊपर सरिया जो उसको सपोर्ट करता है बाहर खुलने नहीं देता। ये डब्बा ऊपर से डाल के फोल्ड करके इसका सिरा बाहर निकाल लेते हैं और इसके अंदर थोड़ा ठीक हो गया। ओके नहीं सिरा थोड़ा थल्ले कर थोड़ी छोटी दो ना एक बार मनु तो मैं फिर जाऊं। चलो जी थल्ले फुल बैग ही है उत्ते थोड़ी हो ना थल्लो भाई थोड़ी थोड़ी साथ लाओ थल्ले। ये लाइनें लोहे के ड्रम के ऊपर फिक्स है, कोई प्लास्टिक वगैरह नहीं लगी हुई उसके ऊपर। ये जैसे जैसे वायर को टाइट करते हैं तो ये खुद ब खुद अपनी तरतीब से इस तरह इसको रोल करती है कि एक वायर जो है वो एक उसका एक जो बल है वो दूसरे के ऊपर नहीं आता। चलो जी तो देखें नाजरी जैसे जैसे वायर टाइट करते जा रहे हैं ये बड़ी तरतीब से फोल्ड होती जा रही है, एक बल जो है वो दूसरे पे नहीं आता बल्कि अपनी तरतीब से अपनी अपनी जगह पे आ रही है। एनू सरकार खुलन नहीं सी देना करम वाले, सारी वैर खराब हो जानी एनू खोल खोल खुल गया थे। ठीक है हूँ करी जाओ सारी खुल वट पै जाए ना सारिया तंदा बहर आ जाए। देखो त्रै चार हो जाए कोई पीस है प्लेटो से सारी लपेट के ना हुक ला के ना
घूम चुक के त्रैवे पीस कट के ना वैर आप करियो तो सारी अपनी जगह ते आ जाए, थोड़ा वजन होवे ना लगे फिर। इतना बहुत फिर क्या लियाओ एक बारी ਕਿੱਥੇ ਰਾਡ ਜਾ ਜਲਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸੂ ਇਹਦੇ ਕੋ 60 ਕਰਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਹੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਵਾਇਰ ਉਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ 60 ਲਾਓ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਫਸ ਗਿਆ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਕ ਪਾਓ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕ ਪਾਓ ਤੇ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜੈਕ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਓ ਇਹਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨੇ ਚਿੰਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਟੁੰਡਾ 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 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਰਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਨਾਸਰ ਕਦੋਂ ਪਿਛੇ ਹੋ ਜਾ ਸੇਵ ਜਾ ਬਸ ਰੁਕੋ ਬੈਲਟ ਬੈਲਟ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਬੈਲਟ ਹੈ ਪੈਰ ਬੈਲਟ ਬੈਲਟ ਪਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਲਓ ये तरीका का रहा जनाब वायर को चेंज करने का सादा सा इस तरह इसको बेल्ट लगा के थोड़ा जोर लगवाया जाता है ताकि वायर जाए वो अंदर मजबूत हो जाए बस ओके हो गया ओके भाई ये देखें जनाब किस तरह खूबसूरती से ये रोल हो गई है सारी वायर ये तरीका कार है इसको वायर चेंज करने का ठीक है वायर डाउन करो ठीक है ठीक है कैसे रो ला क्या तू जैक भी रे चैनल को कर दे सब्सक्राइब इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।